पहाड़ पर सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और ठंड बढ़ने की वजह से लोग कांप रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। 6 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये 6 जिले कौन कौन से वो भी आपको बताते चले। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर। तो पहाड़ में ठंड की मार से लोग परेशान हैं और पहाड़ पर सर्दी का सितम जारी है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही। घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। विजिबिलिटी काफी कम है जिससे सड़कों पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पाला पड़ने से ठंड से लोग कांप रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से और वो 6 जिले कौन है वो भी आपको बताते चले। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया तो बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो इधर देहरादून और हल्द्वानी में भी ठंड जो है वो लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। हल्द्वानी में ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ठंड की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। देहरादून, हल्द्वानी और लक्सर से ये तस्वीरें जहां ठंड के साथ कोहरे की मार से लोग अब परेशान हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीर, घना कोहरा और जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हल्द्वानी की तस्वीर देखिए, ठंड काफी ज्यादा है यहां पर। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जारी ठंड की मार के बीच अब कोहरे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में सुबह शाम जारी कड़ाके की ठंड के बीच लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर सहित कई जिलों में जहां सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे की मार से राहगीर परेशान। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते देहरादून में दिन में लोग लाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए। मेरे पीछे जो कोहरे की चादर बिछी है, ये कोहरे की चादर किसी मैदानी शहर में नहीं है, मैदानी क्षेत्र में नहीं है, ये देहरादून का घंटाघर है। आप भी इसे गौर से देखिए। और कभी देहरादून में कोहरा पड़ने का सिलसिला नहीं रहता था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखते हैं तो सुबह के समय पूरा कोहरे की चादर पूरे देहरादून शहर में बिछी रहती है। मौसम वैज्ञानिक हैरान है कि ये कैसे हो रहा है, कभी देहरादून में कोहरा नहीं पड़ता था। ये घंटाघर है और हार्ट ऑफ सिटी, मतलब अगर हम ये भी कहें कि हम आउटर में जाते हैं, आउटर में फॉरेस्ट होंगे, वहां कोहरा पड़ता होगा, तो उससे तो ये एक बचाव की बात भी मिलती है, एक विकल्प भी मिलता है, एक तर्क भी मिलता है कहने के लिए। लेकिन ये हार्ट ऑफ सिटी है घंटाघर, आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो और इस शाम में और वाहनों की लाइट्स खुली हुई हैं, लाइट जलाकर वाहन चल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ में शीतलहर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच सुबह के वक्त राजधानी में अलग ही नजारा देखने को मिला। पूरा देहरादून शहर कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया। आप देख सकते हैं किस तरह से देहरादून शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। ये कोहरे की चादर दूर तक बिछी है, पूरा शहर इस समय कोहरे से ढका हुआ है। यहाँ पर ये पिछले तकरीबन एक सप्ताह से सिलसिला लगातार बना हुआ है और कोहरे से यहाँ की ठिठुरन और बढ़ गई है। पिछले 2 दिन में टेम्परेचर और डाउन हुआ, चूंकि धूप अच्छे से नहीं निकली, लेकिन अगर धूप दिन में नहीं निकलती है तो ये कोहरा यहाँ पर दून घाटी, जिसको हम बोलते हैं, देहरादून को दून घाटी बोला जाता है, ये दून घाटी में ठंड को और बढ़ाने का काम करेगा। और पहाड़ समाचार में वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें।